अंदर पानी मिलेगा ना, पानी देखिए एक आरो पॉइंट ये लगा है और फिर जरूरत होगी अंदर भी। हाँ ठीक है ठीक है। जैसे आम पब्लिक आती थी, जैसे कोई राजा वगैरह थे तो उनके सैनिक आते थे, सोल्जर्स आते थे सर, वो यही पे स्टे किया करते थे, ये उस टाइम के होटल्स और गेस्ट हाउस हुआ करते थे। लेकिन सर आजकल ये खाली है क्योंकि शाम को ताजमहल बंद हो जाता है। इस मुगल टाइम कॉलेज सराय सर, ये उस टाइम की सराय हुआ करती थी। तो किंग शाहजहां की सर थ्री वाइफ थी, उनकी तीन बेटियां थी। उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेगम, उनकी सेकेंड वाइफ का नाम था सरहंदी बेगम और उनकी थर्ड वाइफ का नाम था अंजुमन बानो मुमताज। मुमताज थर्ड वाइफ थी सर, मुमताज जिनके लिए ताजमहल बनाया है। लेकिन सर उनकी दो वाइफ और थी, फर्स्ट वाइफ के लिए देखिए सर उन्होंने व्हाइट वाला डोम सुना है, स्लैंड के पीछे हम लोग व्हाइट वाला डोम देख रहे हैं, उनकी फर्स्ट वाइफ के लिए फतेहपुरी बेगम के लिए है। इनके अंदर उनकी ग्रेव बनाई गई, उनकी समाधि बनाई गई है सर, और इस गेट के बाहर एक रेड कलर की बिल्डिंग बनाई गई, मस्जिद बनाई गई, मॉस्क है जहाँ फाइव डेज की नमाज होती है, प्रेयर होती है। उनकी फर्स्ट वाइफ के लिए फतेहपुरी बेगम के नाम से सर, ऐसे ही सेम डोम उस वाले पेड़ के पीछे सर मैं आपको आगे से दिखा दूंगा, उनकी ग्रेव उसने बनाई गई है और वहाँ कॉर्नर पे एक मस्जिद बनाई गई मॉस्क है जहाँ फाइव डेज की नमाज होती है, प्रेयर होती है। और थर्ड वाइफ की मुमताज सर जिनको ये ताजमहल बनाया है, एक्चुअली इन दोनों वाइफ के चिल्ड्रन से तो उनके किड्स नहीं थे, मुमताज जी के 14 चिल्ड्रंस थे, उनके 14 बच्चे थे। ये दोनों वाइफ जो वो इतनी प्रीटी नहीं थी सर जितनी मुमताज थी, मुमताज सो ब्यूटीफुल सो प्रीटी और उनके 14 चिल्ड्रंस थे, इसलिए मुमताज जी के लिए ताजमहल बनाया गया है।